अल किबला ग्रुप हज एंड उमरा सर्विस सोलापुर की तरफ से आज बरोज इतवार 25 अगस्त 2024 एक दिन का ट्रेनिंग कैंप रखा गया था, जिसमें 250 लोगों की मौजूदगी थी। इनकी मौजूदगी में हाफिज रियाज साहब ने लोगों को उमरा कैसे करना चाहिए इसकी सारी मालूमात देते हुए कहा, काबे के 7 चक्कर लगाते हुए जिक्र करना जरूरी है। सफा मरवा के चक्कर लगाते वक्त हरी लाल लाइट देखकर दौड़ना है। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम मकाम पर 2 रकात नमाज अदा करना है। इन सारी बातों को मौलाना ने तफसील से लोगों को बताते हुए इस एक दिन के ट्रेनिंग कैंप को कामयाब बनाया है। और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हाजी रफीक सर पागा, हाजी जलील पागा, कासिम जलील पागा, नोमान इम्तियाज शेख, रेहान रफीक पागा और हाजी परवेज शेख पागा, ये सारे मौजूद थे। देखिए हमारे पत्रकार गफूर सौदागर इनकी रिपोर्ट। काम करीब से दूर से ही लेना है। आज नहीं करना खरीद जाने की पहला एहराम, दूसरा तवाफ, अब क्या है हमारा सही है, तीसरा काम अच्छी बात, लेकिन अब सही 2 रकात नमाज बाकी है। इसको दम पूरे बकरे की क्या है कीमत अदा करना और वो कटना हमारे लिए, हमारे नाम पे बतौर इस सजा के लिए, आई बात समझ में? इसको दम कहते हैं। अब 2 रुकन पूरे हो गए, अब तीसरा रुकन जो है वो सफा और मरवा के दरमियान सही है, लेकिन एक ख्याल ये रखना है कि तवाफ के दरमियान में काबे के गिलास जिसको मुंतसिर करते हैं छूने की कोशिश नहीं करना। हालांकि इसको गिलास को पकड़कर जो दुआएं मांगते हैं कबूल होती है, लेकिन हमें अभी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम एहराम की हालत में है और यहाँ पर खुशबू होती है। अब हम जाकर वहां हाथ लगाएंगे, हमारे हाथ में खुशबू लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? हाँ, दम वाजिब हो जाएगा, एहराम के मकरूह हाथ में दाखिल हो जाएगा। कोशिश न करें मुंतसिर, हाँ इसको बाद में छू सकते हैं। अच्छा, अब जब ये 2 रुकन हमारे पूरे हो जाएंगे तो सफा मरवा को जाने से पहले वहाँ पर आबे जमजम है, क्या है? जमजम का पानी रखा हुआ रहता है। अब हम जमजम का पानी खूब पेट भरकर पी सकते, पहले नहीं पीनेगा। और सुबह इससे पहले मर्द हजरात के लिए एक काम है कि अपना दाहिना कंधा खुला रखना है। दाहिना कंधा इसको इस्तिबा करने, दाहिना कंधा क्या होना, मर्द हजरात का खुला रहना है पूरे तवा, ठीक है? पूरे 7 चक्कर में दाहिना कंधा मर्द हजरात का। आज 25 अगस्त बरोज इतवार सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक अल किबला हज उमरा ग्रुप की जानिब से उमरा का कैंप लिया गया। इस कैंप में कुरान और हदीस की रोशनी में सही और आसान तरीके से उमरे के अरकान, उमरे के फ़राइज़, उमरे की मुकम्मल मालूमात दी जाए और इसी तरह इस सफ़र में पेश आने वाले जो चीज़ें हैं, ज़रूरियात हैं, इसके मुताबिक बताया गया, सहूलतों के बारे में मुताबिक बताया गया और इसमें पेश आने वाली जो तकालीफ की चीज़ें हैं उसके बारे में भी हाजत कराम को आगाह किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 100 से ज़्यादा हाजत कराम आज यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने ये अमूमी कैम्प उम्र का जो है इससे फ़ायदा उठाया और तरीके को समझा और सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि आइंदा जब कभी भी अल किबला हज उमरा की जानिब से अमूमी ट्रेनिंग कैंप रखा जाए तो आप हजरात ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तशरीफ़ लाएँ और हमें खिदमत का मौका दें। यहाँ पर क्या क्या दिखाया गया? यहाँ पर प्रैक्टिकली उमरा कराया गया, जिस तरह उम्र में 7 चक्कर तवाफ़ के लगाए जाते हैं वो 7 चक्कर तवाफ़ के लगा कर दिखाए गए, इसमें क्या पढ़ना है, कैसे करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, ये सारे अरकान जो है प्रैक्टिकली अंदाज में करके दिखाए गए। मौला आखिरी सांस तक सलाम सलाम का पाबंद अता फरमा, मौला जब तक जिंदा रख ईमान की हालत पे जिंदा रख, ये अल्लाह आखिरी वक्त में कलमा तैयबा ज़बान के जारी अता फरमा, अल्लाह खालिस तेरा मोहताज बना, तेरे अलावा किसी को मांगने से, किसी से मांगने से अल्लाह हिफाजत अता फरमा, अल्लाह हर तरह की शिरक से बिदअत से अल्लाह हिफाजत अता फरमा, अल्लाह जो हमारा उम्र का सफ़र बने जा रहा है अल्लाह बेहद कबूल अता फरमा, आसान अता फरमा, मकबूल अता फरमा, अल्लाह परेशानियों से, हादसा से, बलाओं से, मुसीबतों से अल्लाह हिफाजत अता फरमा, अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा,
अल्लाह जो भी काम है अल्लाह तुझको राज़ी करने वाले काम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रियाकारी वाले काम से अल्लाह हिफाजत अता फरमा। अल्लाह दिखलाई वाले काम से अल्लाह हिफाजत अता फरमा। अल्लाह हम सब के तमाम उम्रे को, नवाफिल को, दुआओं को, इबादतों को कबूल अता फरमा। अल्लाह हम सब के तमाम दिले जायज़ तमन्ना को पूरा अता फरमा। अल्लाह सफ़र से आने के बाद भी अल्लाह तेरे रास्ते पे, अल्लाह तेरे नबी के रास्ते पे अल्लाह ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तेरे नाराज़ी वाले हर एक काम से अल्लाह हिफाजत अता फरमा। हमारे दुआ को आका नामदार सरवर कायनात अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफ़े ने कबूल मंसूर अता फरमा। رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولكل